हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नौकरी आपको मिल रही है वो पोस्ट ऑफिस से मिल रही है, यानी कि भारतीय डाक विभाग से आपको एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसमें यदि आप 10th पास है तो फॉर्म भर पाएंगे, कम पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि 10वीं पास इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। और इसमें आपको टोटल वैकेंसी जो मिल रही है, टोटल वैकेंसी 3,262 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। और आज ही के डेट में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, ओनली 4 घंटे पहले नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इसमें विशेषकर आपकी ना परीक्षा ना इंटरव्यू, यानी कि सीधा आपको इसमें मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपके पास एक गोल्डन चांस निकल के आया है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। तो इसमें कैसे अप्लाई करना होगा कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बच्चों, अभी आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो जो अभी जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में आपको प्रथम पोस्ट बताई गई है बीपीएम की, बीपीएम की यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी आपको मिल रही है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको ग्रामीण डाक सेवक की मिल रही है। यानी कि 3 प्रकार की पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी। यदि आप भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखना है। और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा हम आपको कंप्लीट जानकारी समझाने वाले हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं यहाँ पेमेंट क्या रहने वाला है। यहाँ पेमेंट आपको जो है बीपीएम की और ग्रामीण डाक सेवक के लिए, यानी कि अलग अलग पेमेंट आपको मिल रहा है, 12,000 से लेकर 14,500 रुपये। इसके साथ ही डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 12,000 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन मिल रहा है। तो वेतन आपको यहाँ अच्छा मिल रहा है। और इसमें आपको जो है जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो आपकी ग्राम पंचायत में ही मिल सकती है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको यहाँ बताई गई है इसमें एज क्या रखी गई है। एज इसमें रखी गई है कि 22 जून को आप कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष के बीच है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ SC ST यानी कि SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ 5 और OBC को 3 साल की छूट मिल रही है, अच्छा मौका है। इसके साथ EWS को यहाँ कोई छूट नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट है PWD को यहाँ 10 साल की छूट है, PWD कैंडिडेट्स को। और PWD OBC और PWD SC ST यहाँ अलग अलग आपको बताइए 13 और 15 वर्ष की छूट मिल रही है। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताइए कि कम से कम आप 10th पास होना अनिवार्य है इसमें, 10th पास। इसके साथ साथ आपको इसमें ये बताया है कि कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि इसमें कंपलसरी है कि आपको जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ इसमें ये विशेषकर बताया है। इसके साथ आपको हम आप दिखा देते हैं कि लोकल लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है। जैसे कि बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तो दिल्ली की यह जो हिंदी है इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। इसके साथ गुजरात की भी हम बात करें तो गुजराती है, हरियाणा की भी हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी है, तो ज़्यादातर राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है। तो हिंदी जो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि इसमें आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10th के जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। वहाँ से आपको इसमें वेटेज संबंधी डिटेल्स बताई जाएगी। और इसके साथ आप यहाँ आपको लिस्ट मिलेगी कि कैसे जो है इसमें आप अपना जो है ज़िले का नाम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ आज जिलों के जो है नाम बताए गए हैं, जैसे कि ए से स्टार्ट होता है अजमेर, यानी कि ये राजस्थान की वैकेंसी है। तो राजस्थान की जो भी ज़िले हैं उनकी ये वैकेंसी डिटेल्स आपको मिलेगी। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म यानी कि 22 जून से स्टार्ट हो गया 22 से, और इसकी जो लास्ट डेट है 21/7 यानी कि 21 जुलाई 2020 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और सेम डे इसमें पेमेंट डे भी क्लोज है, सेम डे ही क्लोज हो जाएगा पेमेंट संबंधित ऑप्शन भी। तो कृपया ये ध्यान रखना है आपको कि कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, कब इसकी मेरिट बन सकती है, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको जो एक बेल आइकन का आइकन दिखाई दे उसे ऑल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है, ताकि सभी जो वीडियोज़ पोस्ट ऑफिस रिलेटेड जो हैं वो आपको मिलते रहें। यहाँ देख सकते हो काफ़ी लंबी ये लिस्ट प्रकाशित की गई है, 117 पेज है। यहाँ देख सकते हो एक पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये लास्ट यहाँ तक देख सकते हो ये पेज है आपका, एक पेज होता है। तो इस प्रकार के 117 पेज आपको मिलेंगे। यहाँ कंप्लीट जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन चांस निकल के आया, क्योंकि इसमें आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है।